नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलफील मिरर, हर पल आपके साथ। इंसान अगर चाहे तो कुछ भी उसके लिए मुमकिन नहीं है। और आज के दौर में जो हम लोग देख रहे हैं कि लड़कियों के बारे में ये कहा जाता है कि ये पढ़ नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, आज ऑडियंस के डिमांड पर आज हम लोग आपको मीना राउत से मिलाते हैं। मीना राउत वो एक स्टूडेंट भी है, अभी बीएड कर रही है, और उसके साथ साथ वो चाहती है कि वो कुछ हुनर सीखे, कुछ टैलेंट सीखे, ताकि फ्यूचर में उसका कुछ वो कुछ कर सके। उन्होंने अपनी मेहनत से फैब्रिक कलर जो होता है उस डिपार्टमेंट में कुछ काम किया। आइए उनके बारे जानते हैं और समझते हैं कि ज़िंदगी को किस तरह वो जीती है। आप अभी क्या कर रहे हो, मैं अभी स्टूडेंट बीएड कर रही हूँ। कहाँ से कर रहे हो? मैं बीएड विजयपाल मेमोरियल बीएड कॉलेज से कर रही हूँ। आपका लास्ट ईयर है? हाँ, ये लास्ट ईयर है आपने सेकंड। एमए कहाँ से किया था? मैं एमए की हूँ, काजी नजरुल यूनिवर्सिटी से। प्राइमरी काजी यूनिवर्सिटी से। प्राइमरी एजुकेशन कहाँ हुआ था आपका? एजुकेशन मेरा बनपुर से हुआ है, बनपुर गर्ल्स अच्छा, हाई स्कूल से। और बीएड मैं की बीए की हूँ यही बनपुर गर्ल्स कॉलेज से। आप लोग के कितने भाई बहन हो? हम लोग तीन बहन और एक भाई है, भैया है और मम्मी है। सब लोग पढ़ते हैं। हाँ, हम लोग तीनों बहन। दीदी टीचिंग कर रही है, स्कूल में है। मछली वाली दीदी भी पढ़ रही है और हम भी पढ़ रहे हैं। पिताजी का नाम हुआ? पिताजी का नाम है नंदलाल राउत। अच्छा, वो क्या करते हैं? वो तो फिलहाल अभी अभी आपकी मम्मी क्या करती है? मेरी मम्मी एक स्टाफ है, वो जॉब करती है अभी। और किस जगह पे जॉब करती है आप? वो एक स्कूल में जॉब करती अच्छा है। अच्छा ठीक है। आपको यहाँ तक का जो सफ़र तय किए हो, मतलब कैसा लगता है? आप यहाँ तक जब पढ़े तो उसमें किन लोगों का रोल था, किन लोगों ने हेल्प किया? सबसे ज़्यादा तो मैं अपनी मम्मी का शुक्रिया करूँगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ तक पढ़ पाई हूँ। और शायद इनकेस फ्यूचर आगे और पढ़ पाऊँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। मुझे ही नहीं, मेरे साथ मेरी और दो बहनें हैं, उनको भी बहुत सपोर्ट किए हैं। और आगे भी मुझे लगता है कि मुझे और पढ़ाना चाहेंगी। फ्यूचर में भी आप क्या बनना चाहते हो? फ्यूचर में मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बीएड कर रही हूँ और मेरा बहुत मन था कि मैं एक टीचर का रोल प्ले करूँ, क्योंकि मेरी मम्मी एक स्कूल में रह चुकी है और मैं स्कूल में ही जॉब करना चाहती हूँ। आपकी मम्मी का कौन सा बात आपको बहुत अच्छा लगता है? मेरी मम्मी का सबसे अच्छा बात मुझे ये लगता है कि वो हर चीज़ में सपोर्ट करती है, और ख़ासकर पढ़ाई के मामले में। बहुत सारी ऐसे जगह है जहाँ पे लड़कियों को सपोर्ट नहीं किया जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन मेरी मम्मी बहुत सपोर्ट करती है कि हाँ, आगे बढ़ो, पढ़ो, कुछ बनना है। तो मैं अपने मम्मी के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मम्मी जब रूठ जाती है तो फिर वो कैसे मनाते हैं? मम्मी जब रूठ जाती है तो उनको मनाना बहुत आसान है, क्योंकि वो इतनी अच्छी है दिल की कि किसी चीज़ में रोकती नहीं है। तो इसीलिए हम लोग जाके एक ही बार में मम्मी से बोलना नहीं पड़ता है किसी चीज़ के लिए कि मम्मी रूठ रूठी हुई, आप रूठी नहीं, रूठती ही नहीं है, तो मनाना क्या है। आपकी मम्मी अच्छी है, आपको पढ़ने देती, लेकिन कुछ लड़कियां से जो टैलेंटेड है पढ़ना चाहती है, लेकिन माँ बाप उनको फेथ नहीं करते हैं, उनको पढ़ना नहीं देना चाहते, उस मम्मी के लिए क्या काम बताओगे मैं आप? उन मम्मियों के लिए कहना चाहूँगी कि मेरी मम्मी जिस तरह आप सपोर्ट कर रही हूँ, मैं हर चाहती हूँ कि हर लड़की को एक सपोर्ट मिले, क्योंकि माँ ही है जो बच्चों को पढ़ा सकती है, आगे बढ़ा सकती है। तो इसीलिए माँ का होना एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर हम लोग पढ़ेंगे तो आगे फ्यूचर बनेगा, और फ्यूचर बनेगा तो हो सकता है हम लोग देश के लिए कुछ करें, और हर कोई चाहता है कि कुछ करें। आप तो स्टूडेंट भी हो, अब हम देख रहे हैं कि आपका हाथ में कलर है। ये आप मैंने क्या काम किए, कहीं गंजी में मैंने क्या काम किए, थोड़ा सा हमको बोलते रेज्यूमे हैं ना, करिए। शिक्षा के साथ ज़रूरी नहीं है सिर्फ शिक्षा ही करें, उसके साथ कुछ कला भी सीखना बहुत ज़रूरी होता है। फ्यूचर के लिए बहुत काम होता है, बहुत ज़रूरी ये है। आपने बनाया हाँ, है, ये मैंने बनाया है। ये दिखा दिए तो ऑडियंस। बराकर बस स्टैंड में हमारा डांस एकेडमी है, जहाँ पर डांस सिंगिंग मॉडलिंग सिखाया जाता है। ये एक योगा दिवस पर हमारा महिलाओं के लिए योगा सुविधा की गई है। हमारा यहाँ एडमिशन फ्री है, जिन्हें भी करना है, इंटरेस्टेड है, वो संपर्क करें। और यहाँ ब्यूटिशियन भी सिखाया जाता है, और नीचे दिया हुआ नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। हेलो, और इससे हम लोग बहुत कुछ चीज़ें बना सकते हैं। इस कलर के माध्यम से हम लोग एक, जिस तरह आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में रखा हुआ है, तो मैं वो बनाई हूँ। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इस कलर से बनती हैं। इस कलर से सिर्फ ये कपड़ा ही नहीं यूज़ किया जाता, कपड़ा के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। मैंने इसका फर्स्ट यूज़ किया है इस कपड़े में, कपड़े के थ्रू मैंने आप बनाया है। ये है फैब्रिक कलर, आप जैसा देख रहे ये हैं। जो हाँ, अभी देख जो लोग देख रहे हैं, उनको भी लगता हो कि हम भी कुछ फैब्रिक कलर करें फर्स्ट टाइम में, तो बहुत क्या कर सकते हैं?
हम तो बोल रहे हैं, हम तो पहला यूज़ किया है टी शर्ट पे, तो आप भी चाहेंगे कि सबको यूज़ करें। एक बार ट्राई कीजिए, आप लोग भी इस टी शर्ट को बनाइए, कपड़े पर कलर कीजिए। उसको मैंने सिस्टम किया, उसको ब्रश करते हो या फिर कैसे? नहीं, कपड़े पर कलर अगर करना है, अगर किसी चीज़ को कपड़े पर कलर करना है तो उसको एक पानी में थोड़ा सा लेकर कलर को मिलाकर आप उस टी शर्ट को पूरा कलर कर लीजिए, जिस तरह मैंने इस कलर को किया है। मान लीजिए अगर कोई टी शर्ट आपका व्हाइट हो, उसको अगर चाह रहे कि आप लाल कर दो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मिनिमम आधा ग्लास पानी एक, और उसमें थोड़ा सा फैब्रिक कलर, उसको मिलाकर आप थोड़े जिस तरह उसको डालिए कपड़े को, और कपड़े को डालने के बाद उसको धूप में ना दे के ऐसे दीजिए ठंडी जगह पे, जिससे वो कलर आपके कपड़े पे हो जाएगा। इसको छोड़कर और क्या क्या चीज़ करना चाहते होते? इसके छोड़कर मैं बहुत सारे फील्ड में गई हूँ, मैं सिर्फ इसी को ट्राई नहीं की हूँ, मैंने बहुत सारा फील्ड अपनाया है, स्पोर्ट्स किया है, बहुत सारे कविताएं पाठ की है। मेरा कविता लिखना और मेरा स्पोर्ट्स करना मेरा बहुत बड़ा ड्रीम रहा था, लेकिन अभी मैं टीचर का ड्रीम लेकर चल रही हूँ। अच्छा, आपने कविता भी लिखी है? मैंने कविताएं लिखी है। ऑडियंस के लिए बता दें क्या कविता लिखी है आपने? मैंने कविताएं लिखी है, शीर्षक है आओ कहे कुछ बात इस बार की। आओ कहे कुछ बात इस बार की, फिर से लड़की हुई है अपमान, न मिला मान न मिला सम्मान, आओ कहे कुछ बात इस बार की। निकली है इस बार आंगन पार, सबने रोका हाथ थाम थाम, यो तो आती नहीं अपनी सम्मान, लूंगी ही इस बार अपना मान, आओ कहे कुछ बात इस बार की। आंचल में लगी है दाग, मिटाऊंगी, मिटने के लिए लड़ जाऊंगी, रोक रहे हैं जो हाथ उसे काटते चली जाऊंगी, आओ कहे कुछ बात इस बार की। आओ कहे कुछ बात इस बार की, लड़के और लड़कियों में भेद है इस समाज की, समाज की सोच बदलूंगी यही करती है इस बार, आओ कहे कुछ बात इस बार की। आओ ठाने इस बार हम, नहीं लड़कियां लड़कों से कम, नहीं लड़कियां लड़कों से कम। अरे वाह, आपने तो बहुत ही अच्छा काव्य पाठ की, आप स्टूडेंट भी हो, आप इसकी टैलेंट भी आपके अंदर, मैंने आपको देखा अच्छे कविता पाठ की। आपको कब लगा कि आप पोएट्री भी कर सकते हो? मैं जब हिंदी पढ़ रही थी तो बहुत सारे क्लास में सबको देखती थी कि सब किसी न किसी चीज़ में पार्टिसिपेट ले रहे हैं, तो उस जगह से मैं सीखी कि सिर्फ पढ़ना और रखना नहीं, पढ़ना और देना ये बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ने के साथ आप कुछ दीजिए, आप रखिएगा अपने पास, वो ज़रूरी नहीं है, तो फिर पढ़ के क्या लाभ है। इसीलिए मैं लिखना शुरू की, एक बार लिखी नहीं अच्छा लगा, फिर दूसरी बार लिखी, सर से पढ़ाई, सर को सुनाई, सर ने कहा बहुत को, तब से मैं सीखने लगी कि ना लिख सकती हूँ। पोएट्री में हम लोगों ने देखा कि जो सोसाइटी है उसका दर्द भी है, उसका कर भी है, तो समाज में क्या चीज़ देखते हैं जो लगता है आपको ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए? हाँ, मुझे तो सब जगह नारी दिख रही थी, इसलिए मैंने अपनी कविता जो सुनाई है शायद नारी पे ही सुनाई है, तो इसीलिए मुझे दिख रहा था, मैंने वो कहा। लेकिन अब मुझे इतना लगता है कि समाज बदल रहा है और बदलेगा, मुझे लगता है और बदलेगा। तो लड़कियां जहाँ पे नहीं कुछ करना चाह रही थी, अब देख रहे हैं कि लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही है और बहुत कुछ कर रही है, तो मैं चाहूँगी कि मैं भी कुछ करूँ जिससे सबको अच्छा लगे। आज हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सी लड़कियाँ टैलेंटेड हैं, लेकिन उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है, दहेज नहीं दे पा रहा, जिसकी वजह से वो शादी नहीं कर पा रही। जो लड़के पढ़े लिखे हैं उनके लिए आपको क्या मैसेज है? मेरा बस एक ही मैसेज है, दहेज देना ही गलत बात है, चाहे वो लड़का ले वो चाहे वो लड़की दे, क्योंकि दहेज होना ही नहीं चाहिए। क्यों दहेज क्यों? हम लोग पढ़ रहे हैं, माँ बाप ने बहुत खर्चा किया और लड़कों को पढ़ाया, उसके लिए भी माँ बाप ने उतना ही खर्चा किया, तो फिर यहाँ दहेज की बात होनी ही नहीं चाहिए। अगर दहेज ले रहे हैं वो जो लड़के दहेज ले रहे हैं, मैं बस उनसे इतना ही कहूँगी, आपने पढ़ा है, आपने सीखा है, क्या सीखा है, जो सीखा है आप उसमें दीजिए, आप ले क्यों रहे हैं आप दीजिए। इतना ही कहूँगी जो लोग दहेज ले रहे हैं कि जो लड़के शिक्षित हो रहे हैं, मतलब जो पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ाया जाए उनको, दहेज लेने की ज़रूरत ना पड़े, और जो लड़कियां इतनी शिक्षित हो, इतनी पढ़ाया जाए उनको कि उन्हें दहेज देने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप तो यंग भी हो, स्टूडेंट भी हो, आपके पास हम लोगों ने बहुत संस्कार देखा, लेकिन अभी हम लोग सोसाइटी में देख रहे हैं कि 4G आने की वजह से हम लोग सोसाइटी नष्ट हो रहा, लड़के लड़कियाँ हम लोग देख रहे हैं व्हाट्सएप फेसबुक पर अपना वक्त पूरा बर्बाद कर रहे हैं, उस स्टूडेंट के लिए क्या कहोगे? उस स्टूडेंट के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4G के थ्रू हम लोग गलत चीज़ें सीख रहे हैं या फिर व्हाट्सएप और ये यूज़ कर रहे हैं, मैं बस इतना ही कहूँगी कि बहुत सारी चीज़ सीखने भी मिल रही है उससे,
बहुत सारी चीज़ हम लोग शिक्षा भी उनसे ले सकते हैं अगर अच्छा तरीके से यूज़ किया जाए उसका। तो अगर बोला जाए कि जो टाइम में हम लोग ज़्यादा उस पर दे रहे हैं उस पर इसके थ्रू अगर हम लोग बुक पे दे किताबों पे दे ज़्यादातर तो बेटर है हम लोगों के लिए। मैंने उसके पॉजिटिव को ले नेगेटिव को छोड़ दें। हाँ नेगेटिव को मत लीजिए, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में नेगेटिव, सब चीज़ होता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अगर हम लोग सिर्फ नेगेटिव ही लेके चलेंगे तो गलत है, पॉजिटिव लीजिए। और हाँ एक तो शिक्षित व्यक्ति होने के माध्यम से मैं बस इतना ही कहूँगी हम लोग हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं, नेगेटिव बातों को साइड में रख देते हैं, तो बस इतना ही। जो लोग जिंदगी से हार मान गए हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? हारना तो सीखना ही नहीं चाहिए, और अगर आप कह रहे हैं कि हाँ हार मान गए हैं तो मैं उनसे बस इतना ही कहूँगी जिंदगी में हार मत मानिए। अगर हार आप मान गए तो फिर आगे शायद आप कुछ भूल रहे हैं, इसलिए हमेशा सीखिए, ज़िंदगी आपको सिखा रही है। अगर हार मान रहे हैं तो वहाँ भी सीखने के लिए कुछ मिल रहा है, तो आप सीखिए। और हम एक ही बात कहेंगे, हारना नहीं है आगे बढ़ना। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि राजनेता जो है वो धर्म के नाम पे लोगों को बांट रहे हैं, एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में की जा रही है। आप तो यंग जनरेशन हो, एक स्टूडेंट हो, इस बारे में क्या सोचते हो? इतना पढ़ लिख ली हूँ तो अब मैं बस इतना ही समझ में आ गया है कि धर्म बोलकर जो हम लोग भेद समझ रहे हैं कुछ नहीं है। धर्म शिक्षा में हम लोग जितना पढ़े हैं और जितना समझ रहे हैं, धर्म हम लोग कहीं भी हम लोग धर्म का अलगाववाद नहीं देख रहे हैं, सब जगह एकता है और एकता की बात को ही हम लोग को लेकर बढ़ना है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग ये कह सकते हैं कि आप और हम सब एक हैं, समानता, मानवता, मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। कविता लिखें, हम लोग ये चाह रहे हैं कि कुछ ऑडियंस के लिए आप हम लोग के लिए दो चार कविता पढ़ दें। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये तो मेरी बहुत अच्छा सौभाग्य की बात है कि मैं उनके लिए कुछ बोलूँ। मैं अपने माँ के लिए एक कविता लिखी हूँ, उस कविता को मैं सिर्फ बोलना चाहूँगी। कविता का शीर्षक है माँ। माँ तो जन्म की फूल है, प्यार करना उनका उसूल है, दुनिया की मोहब्बत फिजूल है, माँ की हर दुआ कबूल है। माँ को नाराज करना इंसान तेरी भूल है, माँ के कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है, जन्नत की धूल है। धन्यवाद। चलिए आप, अभी हम लोगों ने आपके बेटी से बात की, आपने कभी सोचा था कि इतनी दूर तक तालीम हासिल करेंगे? सोचे तो सब नहीं थे, सपोर्ट हम लोग किए कि तुम आगे पढ़ो, आगे बढ़ो, अपना पैर पर खड़ा हो, अपना लाइफ अपना। जब ये पढ़ रहे थे तो कोई रुकावट आया था? किसी ने कुछ कहा कि नहीं, नहीं क्या करेंगे? हम लोग को कोई रुकावट नहीं आया, हम लोग में कोई रुकावट नहीं है, हम लोग अपना बच्चा लोग को अपना खुल के पढ़ाए लिखाए, इसमें कोई रुकावट नहीं। आज आपको इस पे प्राउड होता है कि मेरी बेटी इतनी पढ़ लिख ली? अच्छा लगता है, बच्चा लोग सिक्कत होता है तो अच्छा लगता है, बढ़िया पढ़ाए लिखाए आगे बढ़ता है तो अच्छा लगता है। आप इसको फ्यूचर में कहाँ देखना चाहते हैं? फ्यूचर में देखना चाहते हैं कि अपना पैर पर खड़ा हो जाएगी तो अच्छा रहेगी, पढ़ाई लिखाई करेगी तो अच्छा रहेगी, ना कुछ है। इस जमाने में बहुत से माँ अपनी बेटी को नहीं पढ़ा रही, उसके लिए क्या कहेगा? देखिए उसको भी पढ़ाना चाहिए, बच्चा लोग के कुछ बनाना चाहिए, अपना लाइफ में अपना जीना भी तो जरूरी है। आजकल तो बिना पढ़ा लिखा का कुछ नहीं होने वाला है। कि मैं कुछ बोलूँ और मेरे बातों से अगर कोई मोटिवेट हो रहा है तो मैं बहुत बहुत खुश होंगी कि लड़कियां आगे बढ़े। सिर्फ एक बात ज़्यादा ज़्यादा कहना चाहूँगी कि शिक्षा सिर्फ सीखिए मत, शिक्षा से सिर्फ सीखिए मत, शिक्षा को दीजिए। सिर्फ लेना, ज्ञान अर्जन करना ही ज़रूरी नहीं है, ज्ञान के माध्यम ज्ञान को आप दीजिए, बाकी ज्ञान रखिए मत। धन्यवाद।